दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी खुद छठ घाटों का निरीक्षण कर रही हैं। बात करने के लिए पूर्वांचली समाज से विधायक संजीव झा जी हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव जी, आतिशी जी यहां पहुंची छठ घाट का निरीक्षण कर रहे हैं, किस तरीके की तैयारी, किस तरीके की व्यवस्था? देखिए, आज मुख्यमंत्री आईटीओ घाट पे आई थी। क्या क्या व्यवस्थाएं, अरेंजमेंट ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, घाटों की साफ सफाई ठीक है कि नहीं, टेंट लग रहा है यहाँ, मेडिकल की व्यवस्था सुचारू रूप से हो, साफ सफाई एमसीडी ठीक से काम करे, पानी की व्यवस्था ठीक ठाक से हो, कल्चरल प्रोग्राम्स हो, सारी व्यवस्थाएँ दिल्ली सरकार जो अरेंजमेंट करा रही है वो ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये देखने के लिए आतिशी जी आई थी। इसी तरह से और भी मंत्री विधायक अलग अलग घाट पर जा रहे हैं। कोशिश यही है किसी भी पूर्वांचली को किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। दिल्ली सरकार कृत्रिम घाट तो बना रही है, लेकिन यमुना को लेकर भाजपा की राजनीति लगातार जारी है। मुझे ये लगता है कि भाजपा को इस गंदी राजनीति से बचना चाहिए। ये लोक आस्था का सबसे बड़ा महापर्व है, इससे आस्था को ठेस पहुंचता है। इसी घाट पर आकर के कल राजनीति करके गए, घाट समितियों को भगाना पड़ा उनको, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि व्रत में मदद कीजिए, इस आस्था के लोक पर्व का सहभागी बनिए, गंदी राजनीति मत कीजिए। सौरभ भारद्वाज के इलाके में जो छठ घाट पे भाजपा, दुर्भाग्य है जिस तरह से ये गंदी राजनीति की जा रही है। मुझे लगता है कि इस तरह के कृत्य से भाजपा को बचना चाहिए था, लेकिन उनका जो पूर्वांचल के प्रति नफरत जो है वो चेहरा उजागर होता है इससे। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के क्या क्या इंतजाम यहाँ पे किए गए, क्योंकि भारी संख्या में पूर्वांचली समाज यहाँ? पुलिस की व्यवस्था रहती है यहाँ, और ये सुनिश्चित होती है घाट के जो समिति है वो भी अपना अरेंजमेंट लगाते हैं कि किसी तरह से जो व्रती आ रहे हैं उनको दिक्कत का सामना न करना पड़े। मुझे लगता है सुचारू रूप से छह समिति के लोग भी और दिल्ली पुलिस भी इसकी निगरानी करती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे विधायक संजीव झा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से दिल्ली में जो घाट बनाए जा रहे हैं उन पर कैसी कैसी व्यवस्था की गई है, और खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जो है घाटों का निरीक्षण करने पहुंची हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अरब के साथ भावना, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।